नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी मास्टर चैनल पे गाइस, और बेल आइकन को मैं ऑल क्लिक कर लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशली जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले रिमोट हैं, MI एंड सबका फेवरेट जियो, एंड ये है सोनी का स्पीकर के साथ जो आता है। गाइस इसे थोड़ा सा बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इन दो रिमोटों में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इन दो सेटों के चक्कर में बहुत ही ज्यादा इंडिया में बहुत ही क्रेजपन है और बहुत ही अच्छे फंक्शन मिलते हैं इन रिमोटों में, सुना तो यही है। गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MI के रिमोट के, और उसी के बाद साथ बात करेंगे जियो की, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दोनों रिमोट होना बहुत ही कंपलसरी थे, तो इसलिए मैं दोनों रिमोट लेके आया। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मेन पावरफुल बटन होता है, स्विच ऑन एंड ऑफ। तो गाइस स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ का इंडिकेट लाइट देता है कि ये रिमोट वर्क कर रहा है, बट MI के मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी कंजम्पशन लाइट के द्वारा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए MI अपने जो भी रिमोट होते हैं वो नहीं देता। गाइस इन दोनों की रिमोटों की खासियत बता दूं, क्योंकि ये दोनों 360 कंट्रोलर आते हैं, डेट मीन्स कि दोनों के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा ही ये अपने सेटअप बॉक्स में वर्क करता है जियो का रिमोट, और ये करता है अपने स्मार्ट टीवी पे। और अब गाइस MI बॉक्स भी आ गया, तो उसमें दो बटन एक्स्ट्रा दिए गए रिमोट में, आप यूट्यूब और डायरेक्टली नेटफ्लिक्स तरीके इस तरीके की चीजें डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इस डायरेक्ट बटन के द्वारा। बट और फैसिलिटी क्या मिलती है, जैसे कि बात करते हैं MI के, तो आप सीधे वॉइस सर्च कर सकते हैं। गाइस बहुत ही वर्स्ट है इसका ये फीचर, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया और कभी अच्छा रिस्पांस नहीं आता। मैं कुछ भी बोलता हूँ वो कुछ और टाइप करता है, और ये भी नहीं कहूँगा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं खुद जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन चला रहा हूँ वो 40 Mbps का कनेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहिए। बट मैं कुछ भी बोलूंगा कि कुछ और ही दुनिया के परे टाइप करता है, तो इसलिए इसका मुझे वॉइस स्पीच सर्च वो बिल्कुल बेकार लगा। बट बात करते हैं जियो की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल है इस मामले में। क्यों, आपने देखा होगा जियो की ऐप डाउनलोड कर रखी होगी, तो उसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट आता है, तो आप उसमें जो भी बोलते हैं अच्छा खासा रिकॉग्नाइज करता है वो वॉइस को, और लमसम करेक्ट थिंग देता है। मैं कहूंगा 80 से 70% तक करेक्ट है, बट इसकी बात करूं MI की तो ये 20 से 30% तक एक्यूरेसी के साथ आता है वॉइस कंट्रोल में। और इसी के साथ बात करते हैं, आपको लेफ्ट राइट ओके और ऊपर नीचे करने के लिए एक पूरा पैनल मिल जाता है, जो कि आपको जियो में भी मिल जाता है। बट जियो में और खासियत मिलता है कि आप वीडियो को ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं 30-30 सेकंड, तो आप डायरेक्टली इस बटन से आगे बढ़ा सकते हैं, ये दो बटन जो होगा। और इसी के साथ बात करते हैं बैक और होम पे डायरेक्टली जा सकते हैं, बट इस पे बात करेंगे इस पे क्या है, इस पे भी बैक और होम के लिए नीचे दो इंडिविजुअल बटन दिए गए, और MI अकाउंट के लिए डायरेक्टली MI पे क्लिक करना है तो आपकी पूरी स्क्रीन जो है खुल के आ जाती है। बट इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि आप डायरेक्टली सेटिंग पे चले जाए, आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको पूरी बाकायदा सेटिंग के अंदर मैन्युअली जाना पड़ता है। बात करते हैं वॉइस के मामले में, क्योंकि वॉइस के मामले में तो आपको दो ही बटन मिलते हैं और इसके लमसम बटन अब खत्म हो जाते हैं, बट जियो यहाँ से स्टार्ट करता है अपने आप को। यहाँ से चैनल भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जियो के जो फुल HD चैनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जियो सेटअप बॉक्स पे, और आप यूजली कुछ भी यूज कर सकते हैं उस पे। आपको कोई मंथली चार्ज नहीं देना, बस आपको जो है डेटा पैक रिचार्ज करवाना है। और इसी के साथ बात करते हैं कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग बटन भी दिया है, और नंबरिंग पासवर्ड जो भी वाईफाई का है आप एज वेल एज इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं ये चार जो रंगीन बटन दिए गए हैं, ये पहले बात करें तो ये ऑफिशियली बटन थे MI बॉक्स आने से पहले, कि हर सेटअप बॉक्स में मिलते थे, बट MI बॉक्स आने के बाद क्योंकि वो इस तरीके का दोबारा इस तरीके का मोबाइल रिमोट लेकर आया, तो वो कहीं ना कहीं अब ये स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया कि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं येलो ग्रीन रेड एंड ब्लू, तो ये जो बटन होते हैं ये सैटेलाइट सिग्नल के लिए होते हैं, बट जियो में भी इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई अच्छा खास फीचर नहीं है इन बटनों को लेके। और गाइस आप डायरेक्टली म्यूट इससे कर सकते हैं, बट इसमें म्यूट बटन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया और बताया। और बात करते हैं सेल कौन से दलते हैं, तो गाइस इसके बाकायदा AAA के छोटे बैटरी सेल दलते हैं दो, और सेम ही सेल इसमें दलते हैं। और दूसरी बात आपको सेल दिखा देता हूं मैं, AAA बैटरी के सेल दलते हैं। बट गाइस बात करें थिकनेस एंड कंफर्टेबल ऑफ रिमोट कौन सा है हाथ में, तो आप थिकनेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मोटा है, कि जिसमें दो रिमोट समा सकते हैं MI के। और हाइट में बात करते हैं तो हाइट में भी कम से कम ये आधा इंच ऊपर निकला हुआ है, और कंफर्टेबल में बात करें तो MI का रिमोट और छोटा हो सकता है वक्त के साथ, इतना भी बच सकता है, क्योंकि अभी इतना एक्स्ट्रा है पार्ट। आप कहेंगे नहीं इतना एक्स्ट्रा नहीं है, सेल कहाँ डालेंगे, तो गाइस अब जो आ रहे हैं बोर्ड वो
मोटे वाले नहीं आते बोर्ड, अब वो पतले बारीक से पन्नी के जैसे बोर्ड आते, तो आप उसमें भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं इजिली, क्योंकि हम इसमें नॉर्मली बटन का यूज करते हैं, इसमें हमने रबड़ डाल रखी है और रबड़ वो पिचकती है दबती है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और बैटरी अभी आने वाले टाइम में जो आप देखते हैं पतला वाला सेल वो होने वाली है, और रिमोट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना छोटा हो जाएगा जो कि वन हैंडेड यूज हो गई है, अब भी वन हैंडेड ही यूज है, बट थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल लगता है इसके सामने दोनों के। जरूरी नहीं है कि टीवी के सामने आप 360 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि आप दीवार के पीछे भी जाके इसे चला सकते हैं। तो गाइज ये थी दोनों रिमोट की खासियत, और इसी के साथ बात करते हैं सोनी के मॉडल नंबर V41D के बारे में, जो कि गाइस आपको वैसे मैन्युअली चलाने के लिए ऊपर पूरा सेटअप मिलता है, बट कहीं ना कहीं रिमोट का भी बहुत काम होता है, तो मैंने इसका रिमोट भी आपके लिए स्पेशली लेकर। तो गाइस इसमें बहुत सारी बकवास दे रखी है रिमोट में जो कि यूजफुल नहीं है, आप डायरेक्टली, मैं अपना पर्सनल सजेशन दूंगा, आप डायरेक्टली उससे यूज कीजिए, बहुत ही बेटर लगेगा, क्योंकि रिमोट का यूज तब आ जाता है तब आप उसे डिस्प्ले से कनेक्ट कर पाए। डिस्प्ले से कनेक्ट करने का मतलब तो गाइस कोई बनता ही नहीं, क्योंकि आप ऑडियो स्पीकर ले रहे हैं ना कि वीडियो स्पीकर ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका लमसम वेस्ट है। बट आपको मैं कुछ फीचर बता देता हूँ, जैसे कि आप डायरेक्टली पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले देख सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ ऊपर नीचे करने के लिए आपको बटन दिया जाता है, क्योंकि एक तरीके से वर्चुअल स्क्रीन चलती है उसमें, आप उसके पीछे डायरेक्टली आगे पीछे पुश डाउन एंड नेक्स्ट सॉन्ग ऑडियो आगे पीछे सॉन्ग फिल्टर जो भी उसके अंदर आवाज ऊपर नीचे कर सकते हैं आप फंक्शन। तो गाइस पूरे बहुत ही सारे फंक्शन जितने कि उसके स्पीकर में नहीं है, इससे ज्यादा इसमें रिमोट में दे रखे। तो गाइस ये वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।